अब क्या हुआ माँ, बाहर क्यों बैठी हो? तेरी उसने घर से निकाल दिया है हमें। क्या? एक कटोरा दे दे, इन बच्चों के कपड़े मैं फाड़ दूंगी, कोई ना कोई भीख तो दे देगा हमें। बेटे के होते हुए ये दिन देखना पड़ रहा है मुझे। पागल हो गई है। पापा वो कौन होती है घर से निकालने वाली? घर तो आपका है। अरे तेरे बेटे ने ये बोला कि उस चुड़ैल ने धक्के मार कर बाहर निकाल दिया हमें, सामान फेंक दिया। बेटा चलो अंदर, चलो चलो अंदर, चलो चलो चलो। रूपाली, रूपाली। आती हूँ बाबा। अब क्या हुआ? तुमने मार बच्चों को घर से बाहर निकाला क्यों? मैंने कब निकाला? मैं अभी अभी उन्हें बाहर से लेके आ रहा हूँ यार। माँ जी, बेटा तुम दोनों झगड़ा मत करो। बेटा मुझे पैसे दे दे, मैं बच्चों को अनाथाश्रम छोड़ दूंगी, मैं वृद्धाश्रम चली जाऊंगी। बेटा माँ तुम चुप। रूपाली माँ से माफी मांगो। मैं माफी क्यों मांगू जब मैंने इनको घर से? रूपाली, रूपाली I'm sorry। देखा बेटा? क्या देखा माँ, उसकी उम्र में तुम्हारी उम्र में फर्क है कि नहीं? अगर उसने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था तो तुम वापस आ जाती। छोटी छोटी बातों का तुम। रूपाली, रूपाली दो पैकेट देना। थैंक यू। मालूम है इस लड़की का पति इसको छोड़कर चला गया है? क्या बोल रही तू? अकेला मन काट रहा है तो साथ चले। मेरा रास्ता छोड़। अरे कितना बेवकूफ आदमी है जो इसको छोड़कर दूसरे के पीछे गया है। अबे बेवकूफ नहीं है वो बहुत समझदार आदमी है। हम लोग के लिए छोड़ के गया है। आगे पति देव, उस लड़की के साथ तू ऐश कर रहा है, इस लड़की के साथ हमको तो ऐश करने दे। चल साइड में, ये पकड़ो। अरे ये क्या कर रहा है? मैं कौन हूँ? अरे प्रेम यार। और ये कौन है? ये क्या पूछा? तेरी बीवी। हाँ ये तेरी क्या लगती है? अरे अपनी तो ये। चलो फिर निकलो 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 निकलो। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। घर तो आपने छोड़ ही दिया है, ये सुनने के लिए बचा था। दबाओ रे दबाओ बच्चों, बहो ओ बहो। अरे मेरे सर में बहुत जोर के दर्द हो रहा है। हाय तू सबको गोली देती है, मुझे भी दे दे सर दर्द की गोली बहो। बहुत दर्द हो रहा है? हाँ। ये टैबलेट ले लीजिएगा, ठीक हो जाएंगे। कितनी अच्छी है मेरी नई बहू, चुप चुप की हो बेटी। ठीक तो तुझे करती हूँ। मामा जा रहा हूँ। बेटा एक गिलास पानी दे दे बेटा। हाँ माँ। हाय क्या बात है माँ, तबीयत तो ठीक है? बेटा मेरे सिर में बहुत जोर का दर्द है, बहू ने गोली दी, बोली खा लो हमेशा के लिए आराम मिल जाएगा। क्या रूपाली ने तुझे ये दवा दी? हाँ बेटा। माँ ये तो चूहे मारने का जहर है। क्या बेटा, मैं चूहे की मौत नहीं मरना चाहती, मुझे वृद्धाश्रम भेज दो। बेटा बेटा उसे मत बुला, खाम खा तेरा हाथ बांध दूंगा। माँ तू चुप कर, मुझे संभाल ले। रूपाली बेटा नहीं। आ रही हूँ बाबा, क्या हुआ? माँ तुम कुछ नहीं बोलोगी। रूपाली तुमने मेरी माँ को गोली दी? हाँ इनके सर में दर्द था इसलिए मैंने। ये चूहे मारने की गोली है रूपाली, ये तुम मेरी माँ को मारना चाहती हो? ये क्या बकवास है? देखो मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मार बच्चों से पहले से नफरत करती हो। ये सच नहीं है प्रेम। तुम मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रही रूपाली। माँ जी आप, मैंने तुमसे प्यार करके बहुत बड़ी गलती की है। गलती? गलती तो मैंने की जो तुम जैसे घटिया आदमी से प्यार किया। रूपाली आज हद हो गई प्रेम, आज सच हद हो गई। अच्छा माँ जी, भाभी ये तो बहुत अच्छी खबर है। भाभी अरे लखन भाई आ गए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। भाभी भाभी बड़ी कमाल की खबर लाया हूँ। मुझे भी आपको एक जबरदस्त खबर सुनानी है। अच्छा सुनाओ सुनाओ सुनाओ। पहले आप सुनाइए। हाँ भाभी का हक पहले होता है, पहले आप सुनाओ। अच्छा अभी अभी माँ जी का फोन आया था, प्रेम ने रूपाली को एक चाटा मारा, वो कमरा बंद करके रो रही है, प्रेम से भी बात नहीं कर रही है। वेरी गुड फैंटास्टिक, पहली बार सुल्लू के पटे ने सही काम किया है। और तुसी सुनाओ। तुसी बैठो तो सही। मुझे अभी अभी पता चला है कि एक दीपक नाम का लड़का रूपाली से बहुत प्यार करता था,
लेकिन अच्छा? रूपाली किसी पैसे वाले से शादी करना चाहती थी, इसलिए उस बेचारे दीपक को छोड़ दिया। ओ, मगर ये दीपक हमारे किस काम का? ओए बड़े कमदा पापी, बड़े कमदा। तुहानू तो पता है इस वक्त रूपाली बहुत दुखी है, इमोशनली इनसिक्योर है, फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेस्ड है। उसे सर रख कर रोने के लिए किसी कंधे की जरूरत है, और वो कंधा होगा साडे दीपक दा। जी आपकी सारी बातें मैंने समझ ली हैं, लेकिन आपको यकीन है कि रूपाली आपके पति को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी? शायद इस वक्त उसे अपने किए पर बहुत पछतावा है। पाजी, मान लो अगर रूपाली प्रेम नू छोड़ दे, तो फिर क्या आप रूपाली को अपना लोगे? आपने जवाब नहीं दिया। जी, अगर वो सच्चे मन से अपने किए पर पछता कर मेरे पास आएगी, तो मैं उसे जरूर अपना लूंगा। हाँ पाजी, थैंक यू वेरी मच, व्हाट अ ग्रेट मैन, की बंदा है। थैंक यू। आप तो कुछ ज्यादा इमोशनल हो रही हैं। इतने दिन किसी पराई औरत के पास रहने के बाद अगर आप अपने पति को अपनाने को तैयार हैं, तो मैं भी तैयार हूं। मुझे करना क्या होगा? करना कुछ नहीं पाजी, कल 4:30 बजे तुसी इस पते पहुंच जाओ। और यहाँ पर क्या करना होगा? तुसी आओ तो सही, वहां कर आप सारी बातें समझ जाएंगे। चले पाजी। अच्छा पाजी, अरे गलती दस। हाँ जी। प्रेम ने दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया क्या? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने प्रेम को फोन किया था, भाई जरा रूपाली को फोन देना। हाँ। संडे नू लवली का बर्थडे है ना। अच्छा। क्या वो चाहती थी कि तुम भी जरूर आओ। तो कहने लगा रूपाली नहीं आएगी। अरे तू अपने मन से कह रहा, जरा उससे पूछ तो ले। तो भड़क गया, नाराज हो गया, कहने लगा उससे पूछने की क्या जरूरत है, जैसा मैं कहूंगा वैसे वो करेगी, जैसे तुम उसकी नौकरानी हो। और फोन पटक देता। फोन पटक दिया, मुझे बताया तक नहीं। छोड़ो, ये आप लोगों का आपस का मामला है, लेकिन फिर भी अगर तुम प्रेम से इजाजत लेकर लवली के बर्थडे पर आ जाती तो लवली बहुत खुश होती। मैंने अपनी जिंदगी में कोई भी काम किसी से इजाजत लेकर नहीं किया, मैं जरूर आऊंगी। That's the spirit. ठीक 4:30 बजे। यार प्रेम, ये रूपाली बहुत बदतमीज लड़की है। नहीं यार तू। हाँ यार, कल मैंने तुझे फोन किया तो रूपाली ने फोन उठाया, तो मैं पूछिया प्रेम किथे, तो कहने लगी होगा कहीं, मुझे क्या पता। तूने से बताया कि तू बोला मेरा दोस्त? हाँ यार, मैंने सोचा शायद मेरी आवाज उसने पहचानी नहीं होगी। मैंने कहा मैं लखन बोल रहा हूँ, लखन। तो क्या बोली? तो कहने लगी कहीं के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हो, आज के बाद इस घर में फोन मत करना, और फोन पटक देता। उसकी हिम्मत मत। यार छोड़ 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 यार, ये आप लोगों का आपस में मामला है। लेकिन प्रेम, आज के बाद मैं तेरे घर नहीं आऊंगा। अगर रूपाली तेनू परमिशन दे दिए तो मेरे घर पे आ जाना 5:30 बजे। अरे परमिशन क्या परमिशन यार, अब बाथरूम जाने के लिए रूपाली जी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तू क्या मुझे हैंडपैक समझ रहा है? नहीं नहीं, वो बात नहीं। अरे कल ही दिया मैंने उसको एक कान के नीचे। हाँ वो तू दे देना, लेकिन लगता नहीं तो आ पाएगा। I don't think so. क्या बोल रहा है तू लखन? तू मुझे नहीं जानता? कल कितने बजे? 5:30 बजे। 5:30 बजे? Done. 100%. हाँ यार, what permission? That's the spirit. That's the spirit. That's the spirit.